कोई खुलासा नहीं हुआ, कोई बात नहीं पकड़ा गया, क्या कारण रहा इसका, कहाँ पीछे लगे? विशिष्ट जानकारी आपके प्रश्न की मेरे पास में नहीं है, लेकिन जो भी लूट की घटनाएं होती हैं और खासकर कैश लूट या सोना लूट, उसमें आपने देखा कि दरभंगा में हो, समस्तीपुर में हो, वैशाली में हो, पुलिस के द्वारा अलग अलग टीम बना करके कार्रवाई की गई, उद्भेदन किया गया। पटना पुलिस ने ही जनवरी में एक घटना हुई थी, ये गांधी मैदान थाना के अंतर्गत, उसमें भी त्वरित कार्रवाई करके उसका उद्भेदन कर लिया था। इसमें किस स्तर तक अनुसंधान पहुंचा मुझे जानकारी लेनी होगी, लेकिन पुलिस की टीम लगातार कार्य करती रहती है। कुछ कांडों में समय लगता है, मुझे लगता है ये उस श्रेणी का कांड है जहाँ पे कुछ समय लग रहा है। पुलिस की टीम कार्यरत है और हम लोग इसको फिर से एक बार बैठ के रिव्यू करेंगे। एक सवाल है, राजधानी अपराध का ग्राफ बढ़ने स्तर से देखा जाए तो कितना फायदा हुआ है, और बीच में ये जो एसपीटी टेस्ट है ये बीच में क्यों पड़ गया, तो लगता है कि आने वाले दिनों में लगातार जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कारण थे पिछले वर्षों में, जिसके कारण ये कम पिछले दो दो वर्षों में थोड़ा कोरोना के कारण भी गवाही, न्यायालय के कार्य और बहुत सारी चीज़ों पे इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई, थोड़ी सी स्पीड हमारी कम हुई, लेकिन 2022 में हम लोग बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं और अभियुक्तों को सज़ा मिल रही है। हमारा अल्टीमेट उद्देश्य यही रहता है, आपराधिक न्याय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है कि अपराध कर्मियों को उनके तार्किक अनुसंधान के बाद न्यायालय से सजा मिल सके, और न्यायालय से सजा मिलने के बाद फिर एक नया चक्र उनके जीवन में शुरू हो, जब सजा काटने के बाद वो आए समाज में तो उनके अंदर में एक सुधारात्मक दृष्टिकोण नजर आए। वो एक पूरा पहलू है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हम लोगों की ये जो आपने कहा है, हम लोग ये पहल बराबर जारी रखेंगे और जो अपराध कर्मी हैं उनको सजा दिलाने की दिशा में हम लोग सक्रिय हैं और आगे भी काम करते हैं। मानते कि वो फेलियर है क्या, क्योंकि आपातकालीन सेवा की जो गाड़ियां रहती है वो सुनसान इलाके में खड़ी कर दी रहती है, आज भी पाटलिपुत्र इलाके में हत्या की घटना हो गई। आपके प्रश्न का प्रथम जो वाक्य है वो उससे मैं सहमत नहीं हूँ कि राजधानी में घटनाएं बढ़ रही हैं, घटनाएं पूर्णतः नियंत्रण में हैं, कहीं कोई घटना नहीं बढ़ रही है। जो आंकड़े हैं मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिए हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि डायल 112 बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, जैसा मैंने कहा पुलिस की 100 गाड़ियां पटना शहर के लिए डेडिकेटेड हैं और ये एक डेटाबेस हमारा बना हुआ है कि कौन सी गाड़ी कहाँ पे खड़ी होगी, और वहीं से वो गाड़ी जब कॉल आती है तो सॉफ्टवेयर में ये पहचान होती है कि कौन सी गाड़ी पास में है, उसको हम लोग वहाँ पर भेजते हैं। इन अभी 2 महीने डायल 112 प्रोजेक्ट के कंप्लीट हुए हैं, इस 2 महीनों में किस तरह की कॉल कहाँ से आई, किस तरह की गाड़ियों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ा, किस तरह की गाड़ियों पर कम कॉल आई है, उसके हिसाब से अगर रीलोकेट करने की आवश्यकता होगी तो हम लोग इस पर विचार करेंगे। और ये पूर्णतः अन्य राज्यों में भी चल रहा है, बिहार राज्य में इसकी बहुत ही अच्छी शुरुआत अभी 2 महीने पहले हुई है, कुल इस पूरे राज्य में 400 गाड़ियां इसके लिए उपलब्ध कराई थी, पुलिस को बहुत संसाधन मिले और ये इक्विप्ड गाड़ियां हैं, इसमें पुलिस पदाधिकारी, पुलिस कर्मी, ड्राइवर 24 घंटे उपलब्ध है। ये इमरजेंसी सेवा, इस सेवा का अधिक से अधिक उपयोग हो, मैं इस आप लोगों के माध्यम से आम जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस सेवा का अधिक से अधिक उपयोग करें। और 112 की सेवाएं हम लोग खास मकसद से रखा गया कि त्वरित घटना स्थल पर पुलिस, और बहुत सारे मामलों में मैंने आपको करीब 3 हफ्ते पहले एक प्रेस नोट जारी किया था, मैं निर्देश अपने टीम को ये दे रहा हूँ कि अब 2 महीने के बाद में उसका एक समरी बनाए कि कहाँ पर किस तरीके से 112 के कारण त्वरित पहुँचने के कारण घटना रुकी, यह विवाद था उसका निपटारा हो गया, तो ये हम आंकड़ा बना के आप लोगों को अवगत करा देंगे। थैंक यू। गवाही दी, हमारे फॉरेंसिक लैब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने ऐसी रिपोर्ट दी जिसके आधार पर अंततः माननीय न्यायालय बिल्कुल गुण दोष की विवेचना करने के उपरांत हमारे जो चार्जशीट था उसको उन्होंने सही पाया और इतने अभियुक्तों को सजा दी। ये अभियान हमारा लगातार जारी रहेगा। स्पीडी ट्रायल के लिए इस वर्ष की कार्ययोजना बन चुकी है, इसके लिए जो चिन्हित कांड है उसको DM, SP और अभियोजन 3 लोगों ने मिलकर के चिन्हित किया, उस पर काम चल रहा है।